हेलो फ्रेंड्स, एंग्रोचिंग गेम मेट। जैसे आप सभी जानते हो, मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर गेम मेट के नाम से, और मेरा नाम है चेतन राठी। तो मैं आप सभी को सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरे सब्सक्राइबर इतने पहुंचा दिए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मेरे को सब्सक्राइब किया है, और जो डेली लाइव स्ट्रीम पे आते हैं उसके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका। मैं कहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को सब्सक्राइब करा और डेली लाइव स्ट्रीम पर देखने आते हो। और बेसिकली ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये है सेटअप टूर के ऊपर। कई दिनों से लोग मैं कहते हैं आप प्लीज अपने सेटअप टूर की वीडियो बनाओ, सेटअप टूर की वीडियो बनाओ। अब तक मैंने वीडियो इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था। आज मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला और मैं अपने सेटअप टूर की वीडियो आज मैं आपके सामने दिखाऊंगा। आगे वीडियो में आपको पता चलेगा मैं किस तरह से लाइव स्ट्रीम करने से लोग क्या क्या सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ती है, क्या क्या मेरे को अपने सामने रखना पड़ता है, क्या क्या चीज हटानी पड़ती है, वो वीडियो मैं आज आपके सामने लेके आने वाला हूँ। और रही बात गिवअवे की, पहला गिवअवे मैंने करा 210 सब्सक्राइबर पर। जब मेरे 210 सब्सक्राइबर थे मैंने पहला गिवअवे किया था, क्योंकि उस दिन वो मिशन चल रहा था जो पैसिफिक स्टैंडर्ड वाला जीटीए भाई के अंदर मिशन है, आखिरी वाला जब हम बैंक को रोबरी करके भाग रहे होते हैं, वो मिशन चल रहा था। 25 बार हमने मिशन वो खेला, वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि आज अगर ये मिशन कंप्लीट हो जाता है तो गिव अवे होगा अगले लाइव स्ट्रीम पर। और पता नहीं मेरे मुंह में कहां सरस्वती का वास हो गया उस समय, और वो मिशन कंप्लीट हो गया आखिरकार, और मैंने अगले लाइव स्ट्रीम पर गिव अवे किया। और गिव अवे साकिब नाम से एक बंदा है वो गिव अवे जीत गया था, जिसको मैंने CS:GO का गिव अवे किया था। उसके बाद लोगों ने पूछा अगला गिव अवे कब होगा, गिव अवे कब होगा। तो मेरे नेट की प्रॉब्लम चल रही थी, तब जाकर मैंने गिव अवे करा 500 सब्सक्राइबर के आसपास, जो कि ऋषि ने जीता था, लेकिन उसने क्लेम करने से मना कर दिया था कि मेरे को आपका गिव अवे नहीं चाहिए। वो अभी भी मेरा व्यूअर है, अभी भी लाइव स्ट्रीम पर आता है और व्हाट्सएप भी मेरे से लगातार कॉन्टेक्ट में है, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे पता उसे दुख तो जरूर हो रहा होगा कि मेरे को मना नहीं करना चाहिए था, मेरे को गिव अवे वो लेना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं। उसने जब मैंने कल गिव अवे किया था उसने अपना चांस आजमाया, लेकिन वो गिव अवे नहीं जीत पाया। कल होली थी, कल मैंने गिव अवे किया था GTA 5 का, और GTA 5 का जो गिव अवे था वो आर्स पटेल नाम से बंदा है, वो कल का गिव अवे जीत चुका है। कांग्रेचुलेशन ब्रो, आपने मेरा GTA 5 का गिव अवे जीत चुके हो आप। और उनका आज दिन में मेरे को फोन आया, मैंने उनसे बताया कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट में जाओ और आपको गिव अवे में दे दूंगा। मैं उसको हार्ड कॉपी परचेज करके उसको मैं देने वाला हूँ, और मैं उसको जल्दी हार्ड कॉपी उसको उसके घर के एड्रेस पे उसे सेंड कर दूंगा। और तो मैंने गिव अवे होली पर इसलिए किया था क्योंकि सब चैनल से थोड़ा हटके गिव अवे, भाई सब सब्सक्राइबर गिव अवे करते हैं, लेकिन अब मैं जब भी गिव अवे करूंगा किसी न किसी द्वार पे गिव अवे करूंगा, मैं सब्सक्राइबर गिव अवे नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस टाइम वॉचिंग गेम में, सो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मेरा CPU है, ये मेरा सामने डेस्कटॉप है, ये कीबोर्ड है, और मेरे इस साइड में अपना लैपटॉप को रखता हूँ, और इधर मेरा बूफर रखा हुआ है, और सारे इधर मैंने अपना वाईफाई कनेक्शन TP-Link वाला लगा हुआ है, और स्पीकर मेरा 4.1 है, तो पूरे ये तार वगैरह उधर ही जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं बताता हूँ मेरे सेटअप में क्या क्या आता है। ये पहले मेरा फ़ोन जो कि यहाँ पे रखा होता है हमेशा, ये डेस्कटॉप जिसमें मैं गेम खेलता हूँ, ऊपर इसका वेबकैम लगा हुआ है, ये मेरा हेडफोन है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, ये जॉयस्टिक, कोई कोई गेम में जॉयस्टिक का इस्तेमाल करना पड़ता है इसलिए जॉयस्टिक यूज़ करता हूँ मैं, और ये बगल में ये मेरा लैपटॉप रखा है, ये जहाँ से मैं यहाँ पे बैठता हूँ मेरे सिर्फ एक हाथ की दूरी पर सब कुछ होता है, तो जो मैसेज आपके आते हैं वो मैं डायरेक्ट यहाँ से टाइप कर लेता हूँ, जो भी आपका रिप्लाई करना होता है हेलो हाय मैं फटाक से यहाँ से रिप्लाई कर लेता हूँ खेलते खेलते भी। ये मैंने बगल में ग्रीन स्क्रीन से लगा रखी है क्योंकि टेस्ट करने के लिए, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, तो मैं यहाँ से आपका तुरंत नाम बोल देता हूँ। और नीचे वाली विंडो मैंने ये जो खुला हुआ है ये मैंने पिंग टेस्ट करने के लिए लगा रखा है कि अगर गलती से भी मेरा नेट कनेक्शन स्लो होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं तुरंत व्यूअर को बता सकूँ कि नेट इस समय थोड़ा दिक्कत कर रहा है, और दिक्कत क्यों कर रहा है ये बताना बहुत जरूरी होता है, नेट दिक्कत क्यों कर रहा है वो बताना पड़ता है सभी को। और ये मेरा मोबाइल, यहाँ से मैं अपनी लाइव स्ट्रीम इस मोबाइल पे यहाँ पे चलाता हूँ, और लाइव स्ट्रीम यहाँ पे चल रही होती है, यहाँ पर मेरे को पता नहीं चलता कि कौन किस क्या हो रहा है, तो मैं इसलिए मोबाइल पे चलाता हूँ कि देखने के लिए कि मेरी लाइव स्ट्रीम सही चल रही है कि नहीं चल रही है। और यहाँ से मैं चैटिंग वगैरह कर लेता हूँ, तो पहला मेरा क्या रोल होता है यहाँ पे, मैं लाइव स्ट्रीम चालू करने से पहले यूट्यूब खोलता हूँ, यूट्यूब खोलने के बाद नाइट बोट के बाद खुलता है स्ट्रीम लैब, ये तीन चीजें मैं खोलता हूँ। यूट्यूब खुलने के बाद मैं जाता हूँ माई चैनल्स पे, माई चैनल के बाद अब सीधा लाइव स्ट्रीम वाली जगह जाऊंगा, मैं मैनेज वीडियो पे जाके लाइव स्ट्रीम पे जाऊंगा, और ये नाइट बोर्ड पे यहाँ पे मेरे पहले रिफ्रेश करना पड़ता है एक बार, ये इसको रिफ्रेश करना जरूरी होता है, नहीं तो रिप्लाई नहीं करता नाइट बोर्ड।
ये मैंने उसको रिफ्रेश किया है, अब वो रिप्लाई ऑटोमेटिकली करेगा अपने आप। और यहाँ पर मैं जाता हूँ अलर्ट बॉक्स में, चला जाता हूँ, ये सब कुछ यहाँ पे सेट हो चुका है। अब एक बार नाइट बोर्ड को चेक कर लिया जाए, हाँ नाइट बोर्ड के देखो मैसेज रिप्लाई आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ देखो, अभी नाइट बोर्ड ऑटोमेटिक रिप्लाई कर देगा, ये देखो तुरंत तो उसने रिप्लाई किया। अब टाइम है ओबीएस को खोलने का, इसको मैं रन एज एडमिन करता हूँ, ये ओबीएस खुल के आने वाला है। ये OBS खुला हुआ है और यहाँ पे वेबकैम आता है जो कि अभी हटा हुआ है। ये सब्सक्राइबर आ रखे हैं, जितने सब्सक्राइब कर रखे हैं, और ये कल की विंडो चल रही है कि गिवे वाली, ये गिवे लिखा हुआ है ना, कल की विंडो चल रही है। और यहाँ पे मैं अपनी पूरी सेटिंग्स कर लेता हूँ कि पहले नेट चेक करता हूँ मैं कि नेट की स्पीड कितनी आ रही है, उसके हिसाब से मैं अपना बिट रेट सेट करता हूँ। नेट की स्पीड अच्छी हो तो बिट रेट मैं 3000 कर देता हूँ, नेट थोड़ा खराब चला तो बिट रेट मैं 2000 कर देता हूँ। एक बार मैं आपको नेट की स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ। स्पीड टेस्ट डॉट नेट पे मैं 3 बार लाइव स्ट्रीम चालू करने से पहले 3 बार अपने नेट को चेक करता हूँ कि नेट मेरा चल कैसे रहा है। अच्छा चल रहा होगा तो मैं बिट रेट 3000 रखता हूँ, खराब चल रहा होगा मैं बिट रेट 2000 रखता हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं इस समय मेरा पिंग 5 आ रहा है। बेसिकली यही पिंग मेरा 1, 3, 2, 4, 5 ये रहता है, कभी कभी दिक्कत करता है। और इस समय जो मेरी डाउनलोडिंग स्पीड है वो 9.6 के करीब चल रही है, और इसके बाद अपलोडिंग स्पीड अपने आप आएगी। और ये मेरी अपलोडिंग स्पीड है, इसी स्पीड में मैं आराम से 3000 बिट रेट पर लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ बहुत प्यार से। तो पहले मैं नेट को 3 बार चेक करता हूँ, अपने स्पीड को 3 बार टेस्ट करता हूँ, उसके बाद ही लाइव स्ट्रीम करने आता हूँ। अगर मेरा नेट ठीक नहीं चलता तो मैं लाइव स्ट्रीम बिल्कुल नहीं करता। मैंने स्पीड टेस्ट कर लिया है, नाइट बोर्ड भी रेडी है, और मैंने OBS भी खोल दिया है। अब अगला स्टेप क्या होता है, जो ये स्ट्रीम लैब है इसका टेस्ट करना होता है कि स्ट्रीम लैब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो स्ट्रीम लैब को मैं लैपटॉप से चेक करता हूँ, स्ट्रीम लैब पे जाता हूँ और टेस्ट सब्सक्रिप्शन, जिसके जो भी सब्सक्राइब करेगा वो टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो अलर्ट सेट हो चुका है, ये आप देख सकते हो कि ये मैंने टेस्ट किया, यहाँ पे नाम आएगा जो भी बंदा सब्सक्राइब करता है, यहाँ पे नाम आता है उसका नाम बोलता हूँ तुरंत, जो भी बंदा सब्सक्राइब करता है। कभी कभी छूटता है लेकिन मेनली मैं सबका नाम बोल देता हूँ। और एक बार मैं OBS से भी चेक कर लेता हूँ कि OBS पे नाम आएगा कि नहीं आएगा। देखो आप देख सकते हो क्लियरली कि जो सब्सक्राइब करता है उसका इस तरह से नाम आता है। तो दोनों टेस्ट हो चुके हैं, मैसेज भी नाइट बोर्ड कर रहा है, और दूसरा अलर्ट बॉक्स वाला भी, अलर्ट बॉक्स वाला भी मैंने टेस्ट कर लिया है कि कोई बंदा सब्सक्राइब करेगा तो वो बचता है कि नहीं बचता है, तो आ रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोगों के ये होते हैं कि हमने सब्सक्राइब करा लेकिन नाम नहीं आया। वो इसलिए होता है कि आपने अपनी गूगल की प्राइवेसी सेटिंग में अपने आप को प्राइवेट रखा हुआ है। अगर आप उसको चेंज करके पब्लिक करोगे तो ही नाम आएगा, अगर पब्लिक करोगे तो ही नाम आएगा। एक बंदा था उसने सब्सक्राइब करा था, उसने कहा मेरा नाम नहीं आया, तो बंदा मैंने कहा यार अपनी सेटिंग चेंज कर, उसको जाके पब्लिक कर, तब जाके नाम आएगा। उस बंदे ने मेरे को अनसब्सक्राइब करा, वापस गया, वापस अपनी सेटिंग चेंज करके वापस आया और उसने सब्सक्राइब करा, उसका तुरंत गाना बज गया। अभी आप क्लियरली देखते हो किसने अभी हाल फिलहाल में मेरे को सब्सक्राइब करा उसका नाम आ रहा है, किसने अभी सब्सक्राइब किया है उसका नाम आ रहा है। मैं ऐसे लाइव स्ट्रीम नहीं करा लेकिन बंदे ने सब्सक्राइब करा मेरे को, अभी उसका नाम आ रहा है, आप लाइव देख सकते। तो मैंने सब्सक्राइब नहीं किया, किसी और ने सब्सक्राइब करा उसका नाम आया। चलो उसको नीचे कर देते हैं। ये सारी सेटिंग्स मैं कर चुका हूँ और इसमें ये मैंने सब कुछ अपना डाल रखा है, जितनी आवाज रखनी है कितनी नहीं रखनी। नाइट बोर्ड भी सेट है, अलर्ट बॉक्स भी सेट है, ये भी चैटिंग भी सब कुछ सेट है। अब मेरे को क्या काम करना है, जो मेरा गेम है GTA 5 ऑनलाइन, जिसको स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट होने के बाद जब मैं सारी सेटिंग्स कर चुका होता हूँ, सारे दोस्त मेरे ऑनलाइन होते हैं, उसके बाद मैंने शॉर्टकट की बना रखी है कंट्रोल साथ में ये प्लस का बटन, ये दोनों बटन मैं एक साथ दबाता हूँ तो मेरी लाइव स्ट्रीम चालू हो जाती है। बीच ये मैंने जान के कर रखा है, पहले मैं लाइव स्ट्रीम पहले चालू कर दिया करता था, उसके बाद गेम चालू किया करता था। लोग कहते थे भाई पहले आप लाइव स्ट्रीम बाद में चालू किया करो, गेम चालू कर दिया करो पहले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगली बार से मैं यही काम करूंगा।
तो ये था मेरा सेटअप का टूर कि मैं कैसे सेटअप करता हूँ। ये लैपटॉप मेरे सिर्फ एक हाथ की दूरी पर है, मेरे को जो भी टाइप करना होता है फटाक से टाइप कर लेता हूँ। ये मेरा इधर माउस रखा है, ये कीबोर्ड है, यहां से मैं खेलता हूँ। मैंने पीछे बल्ब लगा रखा है, इसको मैं एडजस्ट करके अपने कैमरे के ऊपर जो लाइट आ रही है मेरे चेहरे पे, जो फेस पे लाइट आएगी, मैं इससे एडजस्ट करता हूँ कि कितनी फेस पे लाइट आनी चाहिए, ताकि जो वेबकैम मैंने जो लगा रखा है सामने, मैंने मेरा वेबकैम लगा हुआ है कि कितना ये लाइट्स ले, कितना क्लियरिटी मेरे को चाहिए, इस हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। और मैंने बगल में ये GTA 5 का जो मैंने हार्ड कॉपी परचेस करती है बगल में इसलिए रखी है, भाई बंदे पूछते हैं आपने कहाँ से परचेस करी, क्या परचेस किया, तो मैं यहाँ से उन्हें दिखा देता हूँ यहाँ से उठा के कि मैंने इस तरह से परचेस करी है। तो सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग गेम मेट, और हैप्पी होली सभी को, आप सभी को हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और गिव अवे जो जीत चुका है आर्ट्स पटेल नाम से बंदा, मैं जल्दी दोबारा से गिव अवे करूंगा, तो आप निराश मत होइएगा, दोबारा से गिव अवे होगा जल्दी अगले त्यौहार पर। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग गेम मेट, आपने मेरे को सब्सक्राइब करा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी लाइव स्ट्रीम को डेली देखने आते हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी लाइव स्ट्रीम पसंद है तो प्लीज लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए। और ये मैं वीडियो थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूँ, और साथ में एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ जो मैंने मैक में जो मैं शूटिंग मैंने करी थी, मैं बेसिकली एनिमेशन का स्टूडेंट हूँ, जो मैं शूटिंग वगैरह करी थी उसकी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, बाय बाय, सभी को नमस्कार।